आज भूतपूर्व न्यायाधीश माननीय अनिल वैद्य जी। अनिल वैद्य जी, बहुजन टीवी के ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। जय भीम। जय भीम। जय भीम। ये जो समाज में अभी बौद्ध विवाह कायदे के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है और काफ़ी लोगों ने आंदोलन भी किया है, उसके ऊपर किताबें आए हैं, चर्चा सत्र हुए हैं, बौद्ध विवाह कायदा होना चाहिए, जो बाबा साहब जी का बाबा साहब कहते थे कि समान नागरिक कायदा आना चाहिए, तो आपके क्या ख्याल है बौद्ध विवाह कायदा के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज जो हिंदू विवाह कायदा है, ये हिंदू कोड बिल से बना है। और हिंदू कोड किसने बनाया? हिंदू कोड बाबा साहब ने बनाया। और उसमें ये कानून किसको लागू है? हिंदू कानून यानी हिंदू कोड बिल से जो हिंदू विवाह कायदा बना, ये बौद्ध जैन सिख इन लोगों को लागू है हिंदू के साथ में। तो हिंदू कोड बिल क्यों बनाया और हिंदू कानून क्या है, इसकी जानकारी लिए बगैर बौद्ध विवाह कानून होना या समान नागरिक कायदा होना, इसका जवाब समझ में नहीं आता। इसलिए मैं सबसे पहले आपको हिंदू कानून क्यों बनाए बाबा साहब ने, ये मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि समाज में पहले जो बुराइयाँ थी, जो एक आदमी को कितनी भी औरत करने का हक था, विधवा हुई कोई तो उसको को दूसरी मैरिज करने का हक नहीं था, महिलाओं को दत्तक लेने का अधिकार नहीं था, स्त्री और पुरुष में प्रॉपर्टी में समानता के अधिकार नहीं थे, लड़कियों के मैरिजेस छोटे से उम्र में किए जाते थे, इसलिए कि लड़कियों के मैरिज का, लड़का लड़कियों के मैरिज की कोई उम्र निश्चित नहीं थी। ये सब बुराइयां नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल कहा किया, उसमें प्रावधान किया एक आदमी एक औरत, दूसरी करना है तो पहले को घटस्फोट देने की, छोड़ चिट्ठी देने की भी प्रावधान किया। पहले छोड़ चिट्ठी का प्रावधान नहीं था, एक ही महिला को उसका हस्बैंड कैसा भी रहे उसी के साथ में उसको जीवन भर रहना पड़ता था। विधवा होने के बाद उसको मैरिज कर, जवानी में भी विधवा हो गई, पति मर गया। तो ये समाज की जो बुराइयाँ थी वो नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया। वो लागू करने के लिए देर हो रही थी इसलिए उन्होंने राजीनामा भी दिया, लेकिन बाबा साहब ने राजीनामा देने के बाद, उसके बाद जो विधि मंत्री आए पाटस्कर नाम के, वो महाराष्ट्र के थे। अच्छा। तो वो बाबा साहब से हमेशा सलाह मशवरा करते थे, बाबा साहब के यहाँ आके बैठते थे, और फिर वही कानून जो कोड बिल बना के रखा था, वही कानून फिर हिंदू विवाह कायदा नाम के कानून से 1955 में लागू कर दिया। फिर उसमें से ही हिंदू वारसा कायदा, सक्सेशन एक्ट, उत्तराधिकारी कायदा जिसको बोलते, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, पालकत्व और दत्तक कानून, ये सब बाबा साहब ने बनाए हुए कानून से है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस वक्त हिंदू कोड बिल को विरोध करने वाले कौन लोग थे, जिन लोगों को ये जो बाबा साहब ने जो सुधारणा लाई थी समाज में, जिनको ये सुधारणा नहीं चाहिए थी, ऐसे विचारधारा के मनुवादी लोग बाबा साहब के कानून को विरोध करते थे। वो नहीं चाहते थे कि एक आदमी एक औरत हो, वो चाहते थे कि पुरानी परंपरा रहे, एक आदमी बहुत सी औरत रहे, उनको छोटे से बच्ची के साथ शादी करने के लिए मना नहीं होना चाहिए, कानून में मैरिज के कोई एज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन लोग जो धारा थी, प्रतिगामी धारा जिसको बोलेंगे, मनुवादी धारा, वो बाबा साहब को विरोध करती थी। महिलाओं तक भड़काया था उन्होंने। अच्छा। महिलाओं ने भी संसद पे मोर्चा निकाले थे कि ये बाबा साहब हिंदू मैरिज ला के महिलाओं का बुरा कर रहा। बाबा साहब के बारे में ऐसी भी गलत फहमियाँ उन्होंने फैलाई थी कि ये कानून में बहन और भाई के शादी की व्यवस्था की है, इसलिए बोले ये पब्लिश नहीं करते, इंग्लिश में है। बाबा साहब को मालूम पड़ा तो बाबा साहब ने अपने पीए को बोला कि इसका हिंदी में ट्रांसलेट करो और सबको जानकारी दो कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ।
कहने का मतलब कि आज जो समाज में सुधारना आई, आज एक आदमी एक औरत, एक आदमी यदि दो औरत करता है, तीन औरत करता, तो उसको समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, ये नहीं है उसको। हाँ, तो ये जो बुराइयाँ थी, ये बुराइयाँ खाली हिंदू में नहीं थी। अच्छा। वो बुराइयाँ बौद्ध में थी, जैन में थी, सिख में भी थी, लिंगायत में थी। कौन सी बुराइयाँ? बहुत सी मैरिज करने की, विधवाओं के अधिकार नहीं वगैरह टाइप के जो थे, कुछ ब्राह्मण में ज़्यादा था वो विधवाओं के मैरिज में ये, लेकिन ज़्यादा औरत करना, छोटे से उम्र में मैरिज करना लड़कियों के, बूढ़ा आदमी भी रहा तो शादी कर लेता था छोटे से बच्ची के साथ, तो ये जो बुराइयाँ थी हिंदू बौद्ध जैन सिख में सेम थी। और वो बुराइयाँ निकालने के लिए ये हिंदू कोड बिल बनाया, कोई हिंदुत्व तो नहीं उन्होंने लागू करने के लिए नहीं किया। उसका नाम हिंदू कोड, इसका नाम हिंदू कोड दिया, लेकिन उसमें ये रिफॉर्मेटिव एक्ट है वो। हाँ, और देखेंगे आप तो जो स्त्री पुरुष समानता है, व्यक्ति स्वातंत्र्य का जो मसला है, ये वहाँ होने से, वो तो बुद्ध के उसमें विचार है, समता स्वातंत्र्य बंधुत्व के। अच्छा, जो शादी के लिए जो एक निषिद्ध रिलेशन माने जाते, प्रोहिबिटेड रिलेशंस बोलते हैं उसको, जैसा कि भाई बहन शादी नहीं कर सकते, लड़की पिताजी नहीं कर सकते, लड़की चाचा चाचा भतीजी शादी नहीं कर सकते, ऐसे प्रोहिबिटेड रिलेशंस जो है वो हिंदू में, बौद्धों में, जैन में, सिख में सेम है, इसलिए उनको एक ग्रुप में डाला। तो उस वक्त बड़े संघर्ष से वो हिंदू कोड बिल तो लागू हुआ, लेकिन जब हिंदू कोड बिल की एक समिति बनाए थे संसद में, संसद सदस्य भी थे वो, लोग चर्चा करते थे, तो उस वक्त कुछ बौद्ध जैन सिख बाबा साहब को मिले। अच्छा। और बाबा साहब को बोले कि हमको इस कानून में नहीं चाहिए, हमको अलग से कानून दो। तो बाबा साहब ने उनको जवाब दिया कि मैं जब सबको एक जगह लाने की कोशिश करता हूँ तो आप फुटीरता का बीज क्यों डालते हो। दूसरी बात, बाबा साहब ने उनको कहा कि कोई भी कानून बनाने के लिए, ये पर्सनल लॉ बोलते हैं, उसमें उस धर्म के धर्म गुरु के उपदेश चाहिए। जैसा कि मुस्लिम लॉ है तो इस्लाम में, वैसे शरीयत में रूल्स हैं कि भैया ये शादी कैसी होंगी, क्या होंगी, वैसे बुद्ध ने, महावीर ने और सिखों के दसों गुरुओं ने, शादी कैसे होना, वारसा कैसे होगा, ये बताया ही नहीं। उन्होंने पुरानी जो परंपराएं थी वही चालू रखी, कि भैया भाई बहन से नहीं करेंगे, लड़की पिताजी नहीं करेंगे, चाचा भतीजी शादी नहीं करेंगे, मावस भाई से शादी नहीं करेंगे। मुस्लिम के अलग से लॉ है। और मुस्लिम का जो कानून है वो 1937 से लागू किया था ब्रिटिश ने। अच्छा। उस जमाने से, वो कोई बाद में नहीं बनाया, या क्रिश्चियन लॉ है या पारसी लॉ है, ये ब्रिटिश ज़माने से बने हुए लॉ है, कोई अलग से उनको बना के नहीं दिए। तो बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज में हिंदू कोड बिल पे भाषण दिया था। वो भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि मुझे हिंदू कोड, ये सिविल, कॉमन सिविल कोड यानी समान नागरिक कायदा, कॉमन सिविल कोड की पहली पायरी ये हिंदू कोड बिल है। अच्छा। वो उन्होंने बोला कि इस कोड में हम आगे चल के अल्पसंख्यक और मुस्लिम लोगों को भी लेंगे। अच्छा। जैसा आज बौद्ध जैन सिख हिंदू को लिए, कल चल के इनको भी लेंगे और कॉमन सिविल कोड बनाएंगे। बाबा साहब का सिद्धार्थ कॉलेज का हिंदू कोड बिल पे जो भाषण है ना, बहुत अहम है कि हिंदू कोड बिल बनाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। वो मंशा थी कि इस कोड में, उन्होंने बोला, बाबा साहब ने बोला कि इसमें समता दिया है, शादी के लिए पाबंदी नहीं है, वो आपस में इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हिंदू कोड के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज आई। आगे चल के हिंदू कौन, ये मसला आया, तो बाबा साहब ने बोला कि जो हिंदू नहीं उनको भी ये कोड के लिए हिंदू शब्द लागू होगा, यानी एक कानूनन प्रावधान रहता है। और बाबा साहब ने ये भी तरतूद किए कि जो धर्मांतर के बाद बौद्ध होंगे, जैन होंगे, सिख होंगे, तो उनको धर्मांतर के बाद भी ये कानून लागू होगा। बाबा साहब ने अलग से कानून बनाने की बात इसलिए नहीं कही कि बाबा साहब ने कई बार कहा
कि इस देश में समान नागरिक कायदा लागू होना चाहिए, इस ये मेरी बहुत बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, बहुत बहुत दो बार बोला। संविधान के धारा 44 में 44 में समान नागरिक कायदा इस देश में होना चाहिए, ऐसी बाबा साहब ने प्रावधान किया। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में बाबा साहब का भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब इस देश में राष्ट्र निर्माण करने की बात करते थे। बाबा साहब नहीं चाहते थे कि अलग अलग धर्म के अलग अलग कानून हो। ये जो कॉमन सिविल कोड का मसला जो होता है, तो ये पर्सनल लॉ जो है, कौटुंबिक लॉ जो बोलते हैं ना, इसके लिए होता है। कॉमन सिविल कोड बोले तो कुछ लोगों की गलत फहमी होती है कि रिजर्वेशन नहीं, या ऐसा नहीं है। वो जो मैरिजेस है, सक्सेशन है, वारसा, दत्तक है, इसके बारे में जो जाति जाति धर्म धर्म के जो कानून होते हैं उसको कॉमन सिविल कोड बोलते हैं। तो ये कॉमन सिविल कोड ये देश में सब लोगों के लिए एक जैसा हो, उनके उनके जो परंपराएं है उसका उसका संरक्षण करते हुए बाकी के जो रूल्स है उसमें समानता लाना चाहिए, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। तो राष्ट्रीय फीलिंग्स जो होता है, नेशनल फीलिंग्स, वो निर्माण होगा। मतलब समता के जो बीज है, हाँ, तो समता के बीज हिंदू कोड बिल में थे, और तो सामने जाके समान नागरिक कायदा बनाएंगे, हाँ, तो नेशनलिज्म के लिए वो काम में आएगा। एक बात ख्याल में रखना, बाबा साहब सबसे पहले राष्ट्रवादी थे, नेशन बनाने का बिल्डअप करने का था उनको, हाँ, हाँ। इसलिए उन्होंने वो बात, उनके लिए क्या था, ये बौद्ध के लिए अलग से कानून, एक 20-25 कलम का एक कानून बनाना क्या बड़ी बात थी, बाएं हाथ का खेल था उनका। तो उन्होंने वो इसीलिए नहीं बनाया। जब 55 में लागू हुआ तो बाबा साहब जिंदा थे, वो मेरे ख्याल से मई जून 55 में लागू हुआ, हाँ। बाबा साहब तो दिसंबर 56 में गए, तब तक उन्होंने ना अपोज किया, क्योंकि बाबा साहब मालूम था मेरे हिंदू कोड बिल से ये रिफॉर्मेटिव एक्ट है बना है। अब क्या हो गया कि उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल दिया था तो उसका उस वक्त का जो गवर्नमेंट था, हाँ, उन्होंने वो लागू नहीं किया था, तो बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया था। वो क्या था, वो पास करना था, चार कलम पास भी किए थे, हर कलम पे विचार होके वो मंजूर करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि नेहरू जब पंतप्रधान थे तो उसके नेक्स्ट बाद में एक इलेक्शन होने वाला था लोकसभा का, और ये कानून को बहुत बड़े पैमाने पे विरोध था, अच्छा, पब्लिक का। तो नेहरू को डर लग गया कि कहीं अपन ये कानून के वजह से गिर जाएंगे, क्योंकि ये कानून को मनुवादियों ने, परंपरावादियों ने बहुत विरोध किया था। हालांकि उसका नाम हिंदू कोड बिल था, हिंदू कोड बिल था, लेकिन होने के बावजूद भी विरोध लोगों ने, हिंदू लोगों ने, यानी वो नहीं चाहते थे ना कि एक आदमी को एक औरत हो, समता नहीं चाहते थे उनको, बहुत सी औरत होना था उनको, विधवाओं को बिगर शादी से रखने में मजा आता था, हाँ, परंपरा उनको चाहिए थी, परंपरा चाहिए थी लड़कियों के। जब उम्र बाबा साहब ने तय किया, उस वक्त अभी तो 18 साल के है, उस वक्त कुछ 15 साल की थी, वो बोले कि 9-10 साल में ही हम शादी करते हैं, जो उसको जो मासिक पीरियड आता उसके 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 उतने में ही मैरिज करना ये है, बोलते वो पवित्र माना जाएगा। तो इस टाइप के उनके व्यू है। आप बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस के महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किए जो वैलूम्स है हिंदू कोड बिल के ऊपर 14(1) और 14(2) पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चर्चाएं आई है। तो क्या हो गया कि शादी का जो मसला है, शादी के लिए बाबा साहब ने 7(1) और 7(2) ऐसे दो कलम किए। तो एक कलम ऐसा है कि मेरे ख्याल से 17 है कि जो भी कम्युनिटीज अपने रूढ़ी परंपरा से मैरिज करते हैं वो जायज है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो कम्युनिटी में सप्तपदी 7 फेरे मारने का रूल है तो उन्होंने 7 फेरे मारना चाहिए। तो बाकी जो कम्युनिटीज है जो 7 फेरे से नहीं करती उनको वो रूढ़ी परंपरा का मैरिज लीगल मैरिज है, हाँ। तो इसलिए वो 7 फेरे मारने की जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो इसलिए बौद्धों के मैरिज भी लीगल है, क्योंकि क्या हो गया था कि 1981 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि बौद्धों के मैरिज जो सिस्टम है वो लीगल है। उन्होंने अपने जजमेंट में इसका सब चर्चा की है कि भाई मैरिज कैसे होते हैं, सफ़ेद कपड़े होते हैं, त्रिशरम पंचशील होता है,
पुष्प वर्षा होता है, साधुकार होता है, ये सिस्टम उसमें लिखे है। अच्छा, वो जजमेंट में ऑलरेडी लिखे है। मतलब हाईकोर्ट और लीगली अप्रूव्ड है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एक प्रकार से लॉ होते हैं। अच्छा, ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाईकोर्ट के जो जजमेंट आते हैं वो आगे जाके लॉ ही बन जाते हैं। लॉ टाइप ही होते हैं, उसका महत्व जो है लॉ टाइप ही होता है। अलग लॉ की जरूरत नहीं है। यदि अलग लॉ बनाया नहीं है तो वही लागू पड़ते हैं, और उसको भी जरूरी, जब कानून ही है कि रूढ़ी परंपरा से जो भी मैरिजेस होते हैं वो लीगल है, वो कोई बौद्ध के ही नहीं। अभी हिंदुओं में भी सभी जाति सप्तपदी नहीं करती, कुछ इसमें वो ये कपड़ा पकड़ते हैं या शादी में अलग अलग परंगे, तेली माड़ी कुनबी मरा, अलग अलग जाति की। मुझे बात बताइए कि जो लोग ये बौद्ध विवाह, हिंदू बौद्ध विवाह कायदा जो है ये इंडिपेंडेंट की मांग कर रहे हैं, अलग उसका कायदा होना चाहिए, क्या उन लोगों को ये अभी जो आपने बताया ये मालूम नहीं होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो जजमेंट आगे जाके उसका कायदे के इसमें ही रूपांतर होता है और वो कायदा होता है, तो ये अलग क्यों डिमांड कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं? अभी उनको उन्होंने क्या किया है कि 1972 में बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में एक जजमेंट दिया था, शकुंतला वर्सेस नीलकंठ करके, वो साकुली का केस था। वो आदमी ने दूसरा मैरिज किया, ये लोग क्या करते, मैरिज किया तो पहले औरत ने केस डाल दिया कि इसको सजा होना चाहिए। तो उसने कहा कि हमारा मैरिज ही नहीं हुआ, ये बौद्ध परंपरा हमको लागू ही नहीं, बौद्ध परंपरा, और हम उस वक्त बौद्ध थे ही नहीं। तो वो केस जब नागपुर बेंच में आया तो नागपुर बेंच ने बोला कि ये मैरिज लीगल नहीं है, इसलिए बोला कि ये शादी के वक्त बौद्ध नहीं थे। ये मसला कब आता है कि कोई आदमी दूसरी औरत करता और कोर्ट में आके बोलता मैंने मैरिज ही नहीं किया बौद्ध पद्धति से। तो वो 72 में मान्य नहीं हो गया, इसलिए नहीं हुआ कि वो कोर्ट ने बोला कि मैरिज के वक्त ये बौद्ध नहीं थे, यदि बौद्ध होते तो अलग चीज़ थी, और वो सिस्टम वो प्रूव नहीं कर सके। उसके बाद वो बौद्ध विवाह के लिए अलग से कानून की डिमांड हो गई, इसलिए कि उस वो जजमेंट में जो लिखा नहीं ऐसी भली बुरी बातें नागपुर के एक पेपर ने फैला दी। अरे, एक मनुवादी पेपर ने ऐसा आर्टिकल लीक डाला कि कोर्ट ने बौद्ध के औरत को रखेल कहा, बच्चों को अनौरस संतति कहा, और हमारे लोग वो ही पढ़ के लोगों को बता दे गए, हालांकि वो जजमेंट में ऐसा था ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। कोर्ट काय को कहेंगे कुछ उल्टा सीधा, ये मैरिज लीगल है या इलीगल है? तो उस वक्त नागपुर के जो प्रसिद्ध साहित्यिक और विद्वान है अशोक घोड़घाटे सर, प्राध्यापक अशोक घोड़घाटे सर, उन्होंने जय भीम में एक आर्टिकल लिखा था उस वक्त। अच्छा, बौद्ध विवाह कायदा ब्राह्मणी कावा करके उनके किताब का एक संग्रह है आर्टिकल्स का, उसमें भी वो पब्लिश हुआ है। 72 का आर्टिकल है वो, घोड़घाटे साहब का। अच्छा, नागपुर के। तो उस वक्त उसके बाद वो ये डिमांड आई, लेकिन 1981 में बेबी जगताप वर्सेस जैन जगताप के केस में बम्बई हाईकोर्ट ने कहा कि जो बौद्ध लोग जिस प्रकार से मैरिज करते हैं तो मैरिज वैलिड है। okay. इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद 1989 में, मेरे ख्याल से 89 में एक जजमेंट आया सुरेश राठी वर्सेस महाराष्ट्र सरकार। अच्छा, उसमें भाव साहब वहाने ने जजमेंट दिया कि ये बुद्धिस्ट मैरिज जो है धर्मांतर के बाद लीगल है, और वो कानून में ही है ना ये। अच्छा, और जब बाबा साहब नहीं चाहते थे उस वक्त, जो बौद्ध जैन सिख उनके पास गए और बोले कि तुमको अलग से कानून नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक तो धर्म गुरु ने वो ऐसा बोला नहीं है, और दूसरी बात मैं जब सबको एक जगह लाने की कोशिश करता तो आप फुटीरता के बीच मत डालो। तो बाबा साहब की मंशा थी कि समान नागरिक कायदा होना चाहिए, तो हम लोगों ने बाबा साहब के विचारधारा पे चलना चाहिए। आपको और मेरे को क्या लगता है, इन लोगों को क्या लगता है, इसको कोई महत्व नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा साहब को क्या लगता था। हम थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो उसके बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब जो है वो बहुत सोच रखते थे, आगे की सोच। हाँ, वो विजनरी थे। विजनरी थे, यस, करेक्ट वर्ड। आगे का विजन। हाँ, इसलिए तो हम बोधिसत्व भी कहते हैं। तो वो विजन रखते हुए उन्होंने इस देश में सभी धर्मों का कानून, समान नागरिक कायदा होना चाहिए,
और इस देश में धर्म धर्म में बंटवारा नहीं होना चाहिए, अलग अलग धर्म के अलग अलग केसेस कानून नहीं होना चाहिए, ऐसी उनकी धारणाएं थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को कहा है कि तुम समान नागरिक कायदा करो, लेकिन गवर्नमेंट उसके तरफ ख्याल नहीं देती। गवर्नमेंट को किसी को नाराज करना नहीं है। क्या समाज नागरिक कायदा होने के बाद लोग क्या नाराज हो जाएंगे? अभी लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि समान नागरिक कायदा आने से सब लोगों के लिए समान प्रावधान लागू होंगे। अभी मुस्लिम लोगों को लगता है कि भैया समान नागरिक कायदा हो गया तो हमारे मुस्लिम के जो राइट्स है, जो परंपरा है, वो नष्ट हो जाएंगी। लेकिन वैसा नहीं है, परंपराएं बरकरार रखते हुए एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन प्रोग्राम बना के, जैसा कि हिंदू कोड बिल में मैरिज के लिए बौद्ध जैन सिख इन लोगों को अपने अपने परंपरा से मैरिज करने का राइट दिया है, उस टाइप से इसमें भी बना सकते हैं। लेकिन वैसी इच्छा शक्ति होना चाहिए। आज मुस्लिम समाज में तो इतनी गलत फहमी है कि कॉमन सिविल कोड बोले तो ये आरएसएस का हिंदू का एजेंडा है। बात वैसी नहीं है, ये तो बाबा साहब की भी सोच थी कॉमन सिविल कोड की। तो अलग से बौद्ध विवाह कायदा, अलग से जैन विवाह कायदा, अलग से सिख विवाह कायदा, अरे धर्म धर्म के कानून बनाएंगे तो इस देश में धर्मांधता फैलेंगी। और मनुवादियों को वही तो चाहिए, ये जो है ये धर्मांधता फैलाने की मनुवादियों की जीत है। आपने बोले बौद्ध विवाह अलग से, तो आपके लिए क्यों देने को तैयार हो जाते? जैनों को अलग से देने को तैयार होते, सिखों को? वो चाहते हैं कि जो जब हम बोलते थे कि ये हिंदू कोड बिल ठीक नहीं है, हम विरोध करते थे, हमारा सुना नहीं। अभी ये बाबा साहब के ही लड़के यदि अलग से मांगते हैं तो हमारे तो लिए तो सोने में सुहागरात है। जो मन में चाहिए वो तो हो जाएगा, इनके बच्चों के हाथ से कराएंगे। ये मूर्ख लोगों को समझता नहीं कि भैया ये मांग जो है बाबा साहब के विचारों के खिलाफ चल रहा है अपनी। तो इन्होंने सोचना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि जो राइटिंग एंड स्पीचेस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया हुआ, वो वैल्यूम 14-14-2, इसमें कई कोटेशन है बाबा साहब ने इसके बारे में दिए हुए। आप ये पढ़ेंगे तो आप सोचने लगेंगे कि भैया ये बाबा साहब ने नहीं बोला था उस वक्त, मतलब ये अपने मन से लगाते कि बाबा साहब को टाइम नहीं मिला था धर्मांतर के बाद। अरे बाबा साहब को एक 20-25 कलम का कानून बनाने को क्या बड़ी बात थी? ऐसा नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया। उनको सभी लोग एक कानून बना के समान नागरिक कायदा बनाना चाहते थे। तो प्रवीण जी, मेरे ख्याल से ये मेरा आपने पूछा हुआ मुद्दा आपके ख्याल में आया होगा, मैंने बताया हुआ हमारे दर्शकों को, बहुजन टीवी के दर्शक, मित्ता टीवी के दर्शक ये काफ़ी इस सब्जेक्ट में अभी जान चुके हैं कि समान नागरिक कायदा ये बाबा साहब की मांग थी, ना कि क्रिश्चन कायदा या तो जैन कायदा या तो सिख कायदा या तो बौद्ध कायदा। ये अलग अलग समाज में जो विखुरने की जो पद्धति थी उसको बंद करके समान नागरिक कायदा की मांग थी। और आज भी समान नागरिक कायदा लोगों के अंदर ठीक तरीके से मालूम नहीं है, तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से ज़्यादा जागरूकता करने की बहुत ज़रूरी है। ये अभी हमारे सब दर्शकों के ध्यान में आ गया है। बहुजन टीवी के माध्यम से, मेहता टीवी की तरफ से मैं भूतपूर्व न्यायाधीश माननीय अनिल वैद्य जी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।